बच्चों, क्लास 10th का मैंने पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कंसेप्ट था संसद। और उस वीडियो में मैंने आपको समझाया था संसद की संरचना के बारे में। और इस वीडियो में मैं समझाने जा रही हूँ संसद का जो पहला सदन है, लोकसभा। लोकसभा क्या है? लोकसभा संसद का पहला सदन है। लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था की गई है? तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन की व्यवस्था की गई है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन की व्यवस्था की गई है? संविधान के अनुच्छेद 81। लोकसभा को अनेक नामों से जाना जाता है, जिनमें प्रथम सदन, निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रतिनिधि सदन। लोकसभा को लोकप्रिय सदन या प्रतिनिधि सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए इस सदन को लोकप्रिय सदन या प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। पहली लोकसभा का गठन सन 1951 में हुआ था, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद पहली लोकसभा के चुनाव 1951 में हुए थे। तो पहली लोकसभा का गठन सन 1951 में हुआ था। लोकसभा का हिंदी नाम 14 मई 1954 को अपनाया गया था। लोकसभा के सदस्य संख्या की बात की जाए तो सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, न्यूनतम सदस्य संख्या 545 हो सकती है, जिनमें 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का। यानी 530 सदस्य जो हैं जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राज्यों द्वारा निर्वाचित होंगे और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा। 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति द्वारा आंगल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये सदस्य कला, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में निपुण होते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्य संख्या 545 है। निर्वाचन की बात करें तो लोकसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, वैश्विक मताधिकार के द्वारा। वर्तमान में वैश्विक मताधिकार की आयु सीमा 18 वर्ष है। ये 18 वर्ष की जो आयु सीमा है वो संविधान के किस संविधान संशोधन में की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इससे पहले वैश्विक मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष थी। कार्यकाल की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो अनिश्चित है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है। अब तक लोकसभा को 9 बार भंग किया जा चुका है। लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा फिर से इसको 5 वर्ष कर दिया गया। लोकसभा का कार्यकाल इसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक है। लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया जा सकता है, किन परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है आपातकाल की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कब किया गया? लोकसभा 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया था, एक एक वर्ष करके। सबसे लंबा कार्यकाल 5वीं लोकसभा का था। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 7 वर्ष का था, क्योंकि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया गया था। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। उस समय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उसके कार्यकाल में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया था। उस दौरान 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो पहली योग्यता होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु जो है वो कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए,
वे सब योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा तय की गई हों। वह किसी न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलती हूँ। जो संसद है उसका जो दूसरा सदन है राज्यसभा, राज्यसभा का गठन।